दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कुछ कंट्रीज़ को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। क्यों इन कंट्रीज़ को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहा जाता है और कौन सी कंट्रीज़ है जिन्हें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ओके दोस्तों, 15th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक स्पेनिश और पोर्चुगीज एम्पायर्स ने सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स को कॉलोनाइज करके अपनी कॉलोनीज बना के रखे थे। अच्छा दोस्तों, इस कॉलोनाइजेशन की वजह से स्पेनिश और पोर्चुगल लैंग्वेज इस रीजन में बहुत ही प्रोमिनेंट बन गए थे। उसके बाद वहाँ के लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ स्पेनिश और पोर्चुगीज लैंग्वेज को भी यूज़ करने लगे। दोस्तों, स्पेनिश और पोर्चुगीज ये दोनों लैंग्वेजेस लैटिन लैंग्वेज से डेराइव्ड हैं, इसी कारण इन रीजन्स को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहा जाता है। समझ गया। दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्हें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला कंट्री है बेलीज। दोस्तों, बेलीज सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड है और बेलीज का कैपिटल है बेलमोपैन और बेलीज का करेंसी है बेलीज डॉलर। दोस्तों, बेलीज का लोग स्पेनिश, इंग्लिश और क्रियोल लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों, बेलीज को 1973 तक ब्रिटिश होंडुरस भी कहा जाता था और बेलीज एक आखिरी ब्रिटिश कॉलोनी थी अमेरिकन मेनलैंड के ऊपर। दोस्तों, अगला कंट्री है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड है और कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जोस। दोस्तों, कोस्टा रिका की करेंसी है कोस्टा रिकन कॉलन। कोस्टा रिका की नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश। दोस्तों, स्पेनिश के अलावा कोस्टा रिका के लोग मैकाटेरियस, ब्रीब्री, पेटोइस जैसे भाषा में बोलते हैं। दोस्तों, अगला कंट्री है एल साल्वाडार। एल साल्वाडार सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड है। एल साल्वाडार की कैपिटल सैन साल्वाडार है और एल साल्वाडार की करेंसी है US डॉलर्स। दोस्तों, एल साल्वाडार की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। दोस्तों, अगला कंट्री है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड है। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। दोस्तों, ग्वाटेमाला की करेंसी है क्वेट्ज़ाल और ग्वाटेमाला की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। दोस्तों, अगला कंट्री है होंडुरस। होंडुरस सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड है और होंडुरस की कैपिटल टेगुसिगाल्पा। होंडुरस की करेंसी है लेम्पेरा और होंडुरस की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। दोस्तों, अगला कंट्री है पनामा। पनामा भी सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड है और पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। दोस्तों, पनामा की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और पनामा की करेंसी है बालबोआ। दोस्तों, एक्चुअली ये बालबोआ नाम एक स्पेनिश एक्सप्लोरर का नाम है, उसका पूरा नाम है वास्को नूनेज बालबोआ, इसी के सम्मान में इस नाम दिया गया है। दोस्तों, अगला कंट्री है निकारागुआ। निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड देश है। इसका कैपिटल है मनागुआ। निकारागुआ की करेंसी है कॉर्डोबा और दोस्तों, निकारागुआ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। दोस्तों, अगला कंट्री है मेक्सिको। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और दोस्तों, मेक्सिको को ऑफिशियली यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, मेक्सिको की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और स्पेनिश के साथ साथ 68 रीजनल लैंग्वेजेस का भी यहाँ के लोग यूज़ करते हैं और मेक्सिको की करेंसी है मेक्सिकन पेसो। दोस्तों, अगला कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। स्पेनिश के साथ साथ गुआरानी, क्वेचुआ और कोरिएंटेस जैसी रीजनल लैंग्वेज का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटाइन पैसो। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस आयरी। दोस्तों, अगला देश है बोलीविया। बोलीविया भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। दोस्तों, एक्चुअली बोलीविया का दो कैपिटल्स है। पहला कैपिटल है लापास। लापास एक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरा कैपिटल है सुक्रे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल कैपिटल है।
दोस्तों बोलिविया का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, उसके साथ साथ क्वेचुआ आइमारा जैसी रीजनल लैंग्वेज का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलिविया की करेंसी है बोलिवियानो। दोस्तों अगला कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। दोस्तों ब्राज़ील का ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्चुगीज और ब्राज़ील का करेंसी है रियाल। दोस्तों अगला कंट्री है चिली। चिली भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। चिली का कैपिटल है सैंटियागो। दोस्तों चिली का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पैनिश। दोस्तों चिली का करेंसी है चिलियन पेसो। दोस्तों अगला कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा और कोलंबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पैनिश। दोस्तों कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पेसो। दोस्तों अगला कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। दोस्तों इक्वाडोर की करेंसी है यूएस डॉलर्स और इक्वाडोर की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पैनिश। दोस्तों स्पैनिश के साथ साथ यहाँ के लोग क्वेचुआ और शुआरा जैसी रीजनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। दोस्तों अगला कंट्री है गयाना। गयाना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और गयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन और गयाना का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश के साथ साथ अकावायो, मकुशी, वाईवाई और पटामोना जैसी रीजनल लैंग्वेज का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों गयाना की करेंसी है गयानीज डॉलर। दोस्तों अगला कंट्री है पराग्वे। पराग्वे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और पराग्वे का कैपिटल असुनसियोन। पराग्वे के ऑफिशियल लैंग्वेजेस है स्पैनिश और गुआरानी और पराग्वे की करेंसी है पराग्वे एन गुआरानी। दोस्तों अगला देश है पेरू। पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और पेरू के कैपिटल लीमा है। पेरू की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पैनिश है। स्पैनिश के साथ साथ क्वेचुआ आइबारा जैसी रीजनल लैंग्वेज का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। पेरू की करेंसी है पेरुवियन सोल। दोस्तों अगला कंट्री है उरुग्वे। उरुग्वे भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। उरुग्वे की कैपिटल मोंटेविडियो है। उरुग्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पैनिश है और दोस्तों उरुग्वे का करेंसी है उरुग्वेन पेसो। दोस्तों अगला कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और वेनेजुएला की कैपिटल कराकस है और वेनेजुएला की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पैनिश। दोस्तों वेनेजुएला की करेंसी है वेनेजुएलन बोलिवार। दोस्तों अगला देश है सूरीनाम। सूरीनाम भी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। सूरीनाम की कैपिटल है पैरामारिबो। सूरीनाम की करेंसी है सूरीनामीज डॉलर और सूरीनाम के ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। दोस्तों डच के साथ साथ अकुरियो, वाईवाई, वायरा जैसी रीजनल लैंग्वेज का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कुछ कैरेबियन कंट्रीज़ भी हैं जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर कंसिडर किया जाता। उनमें से पहला कंट्री है क्यूबा। क्यूबा एक कैरेबियन कंट्री है और क्यूबा की कैपिटल है हवाना। दोस्तों क्यूबा का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पैनिश। स्पैनिश के साथ साथ हाइतियन क्रियोल और इंग्लिश भी बोलते हैं यहाँ के लोग और क्यूबा का करेंसी है क्यूबन पेसो। दोस्तों अगला कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये भी एक कैरेबियन कंट्री है। डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक का ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पैनिश। दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक का करेंसी है डोमिनिकन पेसो।
दोस्तों अगला कंट्री है हाइती, ये भी एक कैरेबियन कंट्री है। कैपिटल दोस्तों हाइती का कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस और हाइती का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। दोस्तों फ्रेंच के साथ साथ हाइतियन क्रियोल भाषा का भी यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। हाइती का करेंसी है गॉर्डे। दोस्तों इन देशों के अलावा कुछ डिपेंडेंसीज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ भी हैं जिन्हें लैटिन अमेरिकन के अंदर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों पहला डिपेंडेंसी है ग्वाडेलोप। ग्वाडेलोप एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है फ्रांस का और ओवरसीज रीजन भी है। दोस्तों ग्वाडेलोप का कैपिटल है बसेटेरी और ग्वाडेलोप का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। दोस्तों दूसरा डिपेंडेंसी है मार्टिनिक। मार्टिनिक एक आइलैंड है, ओवरसीज टेरिटोरियल कलेक्टिविटी भी है फ्रांस का। मार्टिनिक का कैपिटल है फोर्ट डे फ्रांस और मार्टिनिक का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। दोस्तों अगला डिपेंडेंसी है प्यूर्टो रिको। दोस्तों प्यूर्टो रिको को ऑफिशियली कॉमनवेल्थ ऑफ प्यूर्टो रिको कहा जाता है और प्यूर्टो रिको को स्पेनिश में एस्टाडो लिब्रे असासियाडो डे प्यूर्टो रिको भी कहा जाता है। ये एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है। दोस्तों प्यूर्टो रिको का कैपिटल है सैन जुआन। दोस्तों प्यूर्टो रिको का ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश और स्पेनिश, ये दोनों भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों अगला डिपेंडेंसी है सेंट बार्थेलेमी, इसे सेंट पार्ट्स भी कहा जाता है। ये एक ओवरसीज कनेक्टिविटी है फ्रांस गवर्नमेंट का। दोस्तों सेंट बार्थेलेमी का कैपिटल है गुस्टाविया, इकलौती शहर भी है इन आइलैंड में। दोस्तों सेंट बार्थेलेमी का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। दोस्तों आखिरी डिपेंडेंसी है सेंट मार्टिन, ये भी एक फ्रांस का ओवरसीज कलेक्टिविटी है। सेंट मार्टिन का कैपिटल है मैरीगोट और सेंट मार्टिन का ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। तो बस भाई लोग आज की वीडियो यहीं पर खत्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।